हेलो आना वेरी गुड इवनिंग टू ऑल वेलकम टू एस एस सी अभिनम आसान दिस इज राधिका गुप्ता आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रेगुलरली आप लोगों की जो क्लासेस हैं जिसमें हम ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे हैं आज बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम यानी कि मानव का कंकाल तंत्र तो आप सभी को आवाज़ वीडियो सब कुछ यहाँ पर क्लियरली आ रही है एक बार सभी बताएंगे गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलो भाई सब खैरियत सब बढ़िया ऑल राइट right. तो आज के सेशन में हम जो बात कर रहे हैं कि देखो मैम हम अगर पूरे इंसान को देखें तो हमने काफी सारे इसके बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ लिया है हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे शरीर में पाचन हो रहा है हमारी एक सबसे छोटी सेल क्या करा रही है यहाँ पर पूरे शरीर का निर्माण कर रही है पाचन भी हो रहा है श्वसन भी हो रहा है फिर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात किया कि कैसे हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र यहाँ पर देखने को मिलेगा ब्लड कैसे बहेगा फिर मैंने आपको बताया कि देखो भाई ये जो ब्लड है इसको पहुंचाने वाला हार्ट कैसे काम करता है एन हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि हमारे जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो किस प्रकार से देखे जाते हैं सो so, आज बात करेंगे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो तुम्हारे जिस ढांचे के अंदर फिट है उस ढांचे को हम कैसे कैसे और किन किन हड्डियों के रूप में यहाँ पर देखते हैं सो so, चलो आगरा से नमस्कार है आकाश जी बहुत बहुत बढ़िया अब जल्दी से एक बार स्टार्ट करेंगे हमारे इस टॉपिक के लिए जब भी हम कहते हैं कि देखो यार हड्डियों का ढांचा है यानी कि मानव का कंकाल तंत्र है तो तुम्हारे मन में क्या आता है तुम्हारे मन में एक चीज आती है जिसको कहते हैं कि पूरा का पूरा एक ढांचा क्या कि मैम पूरी हड्डियों से बना हुआ एक ढांचा हमारे मन में कुछ इस प्रकार से आता है क्लियर अब इस ढांचे के अंदर या जिसको मैं कंकाल कहती हूँ इस कंकाल के अंदर ढेर सारी हड्डियां होती हैं एक बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर के जब तक वो मरता है तब तक उसकी बॉडी में ढेर सारी हड्डियां आपको उपस्थित दिखाई देती हैं लेकिन फर्क इतना होता है कि जब वो पैदा होता है तो कुछ ज्यादा हड्डियों के साथ होता है बढ़ते बढ़ते उम्र के साथ उसकी हड्डियाँ क्या हो जाती हैं फ्यूज हो जाती है यानी कि मर्ज हो जाती है हाँ जी तो अगर यही चीज़ हम यहाँ पर देखें कि कितनी हड्डियां हैं आज के सेशन के एंड में तो मैं ज़रूर याद हो जाएगा कि देखो मैम अब अगर मुझसे कोई पूछेगा तो आखिर कौन कौन सी हड्डियां मेरे शरीर में पाई जाती है कहाँ पर कौन सा जोड़ है ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर हो जाएंगी कि भैया ये जो पूरा का पूरा स्केलेटन है या जिसको हम कंकाल कहते हैं ये किस तरीके से व्यवस्थित दिखाई देता है सो सबसे पहली बात कि देखिए मैम अगर हम स्केलेटल या हड्डियों के बारे में बात कर रहे हैं तो फर्स्ट थिंग जो हमसे पूछी जाती है वो है इसका अध्ययन क्योंकि इसके अंदर हम पूरी पूरी बोन्स के बारे में बात करेंगे तो बोन्स के अध्ययन को क्या नाम देते हैं आप में से कोई आंसर करे तो भाई जल्दी से बताओ एक बार फटाफट से आंसर करो वाई ही अच्छा ये तुम्हें देख लिया है ना इसने इसलिए डांस कर रहा है अब जल्दी से एक बार आंसर कर दो और जिन्होंने सेशन को शेयर नहीं किया है एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर देंगे मैं बोन्स की बात कर रही हूँ हड्डियों की बात कर रही हूं तो हड्डियों के लिए एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज ऑस्टियो क्या आता है ऑस्टियो जहां पर ऑस्टियो वर्ड दिखाई देगा आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हम हड्डियों के बारे में बात कर रहे हैं सो so, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाएगा ऑस्टियोलॉजी कहलाएगा ऑस्टियो वर्ड इज फॉर बोन्स एंड लॉजी का मतलब स्टडी तो अगर आपसे कोई पूछे कि हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है तो आप बोलेंगे भैया ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के लिए हम बात यहाँ पर कर रहे हैं एक एक चीज के लिए मतलब हर चीज का अपना एक रेस्पेक्टिव होता है जैसे हार्ट के लिए मैंने कहा कार्डियोलॉजी है पेट के लिए गैस्ट्रोलॉजी आप पढ़ते हो गेस्ट्रो की शाखा जो है वो बन जाती है ऐसी हड्डियों के लिए आपकी ऑस्टियोलॉजी यहाँ पर बन जाएगी लेकिन जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके बॉडी के अंदर 300 से ज्यादा हड्डियां पाई जाती हैं ठीक है एट बर्थ एट बर्थ यानी कि जन्म के दौरान उसके शरीर में कितनी है 300 प्लस बोन्स होती हैं लेकिन जैसे जैसे वो भरता है जैसे जैसे उसकी ग्रोइंग एज आपको दिखाई देती है ये आगे जाकर के कितनी रह जाती हैं 206 हड्डियां कुल मिला के रह जाती हैं क्या तुम समझ सकते हो हाँ लॉजिक का मतलब अध्ययन होता है क्या तुम समझ सकते हो कि मैम अगर मैं कह रही हूँ मेरी शरीर की हड्डियाँ कम हो गई तो कहाँ गई ऐसा तो नहीं है कि मैं बचपन में खेल कूद की हड्डियाँ तोड़ दी कि मम्मी ने जो बात कही थी हाँ भैया वो बिल्कुल सत्य थी नहीं एक्चुअली जब आप बड़े होते चले जाते हैं तो आपकी हड्डियाँ कुछ फ्यूज हो जाती है मर्ज हो जाती हैं और मिल करके एक हड्डी बना लेती है ऐसी कई सारी हड्डियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो टोटल कितनी रह गई दो सौ अब इन्हीं दो हड्डियों को मुझे यहाँ पर पढ़ना है तो सबसे पहली बात तो मैम यही है कि मैं इनके नाम कैसे याद रखूंगा इसीलिए जैसे हर चीज को हम शाखाओं में तोड़ देते हैं कि इतने बड़ा सिलेबस कैसे पढ़े ऐसे इन दो छह हड्डियों को मैंने दो शाखाओं में विभाजित किया जिसमें दो अलग अलग शाखाएं दिखाई देंगी पहली होती है अक्षीय कंकाल और दूसरी कहलाती है अपेंडिक्युलर स्केलेटन यानी कि परिष्टीय कंकाल अब मान के चलो इस पूरे ढांचे को मैंने स्केलेटल सिस्टम को मैंने दो भागों में बांटा द फर्स्ट वन इज एक्सियल और दूसरा कहा जाएगा अपेंडिक्यूलर क्लियर यानी कि हिंदी में कहते हैं परिष्टी कंकाल और एक्सियल को कहा जाता है अक्षीय कंकाल ये टोटल है 206. थोड़ा सा फोकस टॉपिक के ऊपर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा ठीक है अब अगर मैं अक्ष की बात कर रही हूँ तो मैम एक बात बताऊँ मान लो ये एक ढांचा है ठीक है ये क्या है मेरे पास एक ढांचा है मैंने पकड़ के इसको ऊपर से खूटी से टांग दिया अगर मैं इसको एक खूटी से बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ टांग दूंगी तो इसकी जो सेंटर लाइन है इसकी जो सेंट्रल एक्सेस है इसके इर्द गिर्द लगा हुआ सारा का सारा जो बोन जो भी हड्डियां लगी हुई हैं उनको हम पढ़ते हैं इस अक्षीय कंकाल के अंदर यानी कि एक्सेस जो सेंट्रल एक्सेस किसी बॉडी की होगी इसकी सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ जितनी भी हड्डियां लगी हुई हैं, वो कहलाई जाएंगी इस सेंटर एक्सिस के अंदर यानी कि समझो बात को मैं कह रही हूँ कि भैया दो प्रकार के ढांचे हैं पहला वाला वो है जिसको कि मैंने क्या करा यहाँ खूटी से पकड़ के टांग दिया और टांगने के बाद मैंने देखा कि इस सेंटर लाइन के चारों तरफ मेरी एक तो खोपड़ी आ रही है पूरी के पूरा जो मेरा स्कल है इसके अलावा मैं देख पा रही हूँ कि पीछे की तरफ मेरी एक रीढ़ की हड्डी लगी होती है जिसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम क्या कहते हैं वर्टीब्रल कॉलम तो मैम पीछे की तरफ एक रीड की हड्डी उपस्थित होगी आगे की तरफ पसलियां लगी हुई हैं और बीच में एक चेस्ट बोन हमारी यहां लगी होती है ये सारा मटेरियल कहाँ लगा हुआ है भैया ये सब का सब हमें दिख रहा है हमारे इस अक्षीय कंकाल के बिल्कुल सेंटर लाइन से लगा हुआ देखो ये स्कल है पीछे की तरफ कहीं ये रीढ़ की हड्डी आ रही है आगे की तरफ ये एक बीच में हड्डी दिख रही है और ये सारी की सारी पसलियां तो ये जितना भी मटेरियल आपको दिख रहा है जितनी भी हड्डियां दिख रही हैं ये सब आती हैं अक्षीय कंकाल के अंदर बोलो बात सबको समझ में आई कि नहीं आई जल्दी बताओ बफरिंग तो नहीं हो रही है नहीं हो रही है चलो एक बार सेशन को शेयर कर देना जो भी साथी जुड़े हुए हैं अपने दोस्तों भाइयों बहनों तक फटाफट से पहुंचाएंगे तो कंकाल या घबराना एक मत सेशन के तक समझ जाओगे कि कैसे होती है और क्या क्या होंगी करेक्ट पीडीएफ की अगर मैं बात करूं तो इस क्लास की पीडीएफ आप लोग ना मैथ्स की ऐप को डाउनलोड कर लो आप उस एप्लीकेशन के अंदर फ्री कॉन्टेंट में आपको जाएंगे तो आप वहां पर अपनी पीडीएफ मिल पाएगी आपको मिल जाएगी करेक्ट हाँ हैंड में कितनी है पैर में कितनी है जबड़े में कितनी है मुंह में कितनी है सब पता चलेगा लेकिन पहले थमो पहले इसको नोट करो जो इंपॉर्टेंट है तो अस्सी हड्डियाँ हैं अक्षीय कंकाल में तो मैम एक बात बताऊँ आपने सेंटर लाइन के अराउंड तो बता दी मेरे ये जो हाथ पैर बचे हुए हैं इनको मैं कहा ले जाऊं इनको ले जाते हैं सेकंड पार्ट में जिसको कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन या परिष्टिया कंकाल यानी कि ये जो मेरे दोनों हाथ लगे हुए हैं दोनों पैर लगे हुए हैं ये कूल्हे की दोनों हड्डियां और दोनों कंधे की मेरी हड्डियां ये सब मिलाकर के कहा चली गई अपेंडिकुलर वाले हिस्से में आपने इंग्लिश में एक वर्ड पढ़ा होगा जिसे कहते हैं अपेंडेज कौन बताएगा भाई अपेंडेज का क्या मतलब होता है अपेंडेज वर्ड का क्या मतलब होता है कोई बात नहीं तनु वो टीम अपने आप हैंडल कर लेगी आप परेशान मतो ठीक है आदत होती है ना आदत से मजबूर अब किस किस को समझाया जाए भैया पढ़ने वाले जितने छात्र हैं हम उनसे खुश हैं आप पढ़िए जो आगे भी इस क्लास को देखेंगे उनके लिए अच्छा रहेगा आप पढ़ाई करिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए इससे ज़्यादा कोई भी और इम्पोर्टेंट बात नहीं हो सकती है तो अपेंडिजिज वर्ड की अगर मैं बात करूँ अपेंडिजेस मतलब कोई भी चीज़ जो सपोर्टिंग हाथ पैर जैसे हम कहेंगे कि भैया कुछ ना कुछ हमारा लगा हुआ है तो अपेंडिजेस हम हाथ और पैरों के लिए यूज़ कर रहे तो हमारे हाथ पैरों के लिए अपेंडिक्युलरस स्केलेटन आया जिसमें एक हड्डी हमारी लगी हुई दिखाई देंगी यानी कि मैंने दो का विभाजन किया था दो में से अस्सी यहाँ चली गई और एक इसके अंदर आ गई अब हमें क्या करना है हमें इंडिविजुअली एक एक को यहां पर पढ़ना है कि किसके अंदर कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं और कैसे होती हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अक्षय कंकाल की जिसमें अस्सी हड्डियां मुझे दिखाई दे रही हैं। इतनी बात सबको समझ में आई जल्दी से बताओ एक बार नेहा समझ में आया या नहीं आया फटाफट से तो चलो मैम अगर समझ में आ ही गया है तो सबसे पहले लिखते हैं इस अक्षीय कंकाल की एट्टी बोन्स को अस्सी हड्डियों में देखो क्या क्या देखा जाता है सबसे पहले आती है हमारी खोपड़ी यानी कि हमारा स्कल इस खोपड़ी की अगर मैं बात करूं तो मैं तो दिख रही है कि मैम ठीक है हमारा एक पूरा का पूरा एक ढांचा है एक ऊपर सर है लेकिन ये भी हमारी कुल मिला के उन्तीस हड्डियों से बनी हुई होती है कितनी टोटल ट्वेंटी नाइन बोन्स तो स्कल के अंदर मुझे टोटल उन्तीस हड्डियां दिखाई दे रही हैं इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा इसके बाद आती है यहाँ पर हमारी रीढ़ की हड्डी या जिसको हम कहते हैं वर्टीब्रल कॉलम वर्टीब्रल कॉलम कशेरुक स्तंभ सबके पास एक रीढ़ की हड्डी है तभी हम सीधे खड़े हुए हैं यही मदद करती है भैया इंसान को सीधा खड़ा होने में तो वर्टीब्रल कॉलम में टोटल मिलाएंगे तो भैया 26 हड्डियां मुझे दिखाई देंगी पूरी की पूरी पीछे वाली बैकबोन के अंदर ठीक है इसके बाद कुछ लोगों के जैसे बात करते हैं भैया पसलियों की है ना तो जो रिप्स लगी होती हैं या जो पसली लगी होती है वो होती है 24 और एक हमारी स्टर्नम नाम की शबनम नहीं स्टर्नम स्टर्नम नाम की एक हड्डी होती है जिसको कहते हैं वो रोस्थी और यह एक संख्या में देखी जाती है ये स्टर्नम आगे की तरफ लगी होती है जिसको हम कहते हैं चेस्ट बोन तो मुद्दा क्या है कि मैम मुझे बताओ आपने तो इन सबको बता दिया कि यहाँ पर ट्वेंटी नाइन है यहाँ ट्वेंटी सिक्स है यहाँ ट्वेंटी फोर है और यहाँ पर एक है इन सब का मैंने सम किया मुझे पता चल गया कुल मिला के अस्सी हड्डियां यहाँ पर उपस्थित हैं कैसे हैं स्कल में कैसे अस्सी हड्डियां प्रेजेंट हैं तो सबसे पहली हेडिंग डालेंगे स्कल की यानी कि खोपड़ी की अब डरना मत इसको नोट कर लिया हो तो एक बार मुझे जल्दी से बताओ है ना कितने खुश हो जाते हो शबनम के नाम पे बिल्कुल 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 सो so, सबसे पहले लिखेंगे स्कल के बारे में अगर मैं स्कल को देखूं तो कुछ तो मैम मुझे ऐसा ही दिखाई देती है पूरी की पूरी खोपड़ी मुझे तो दिख रही है एक ही हड्डी है मगर नहीं ये भी दो भागों में बटी हुई है दो भाग कैसे कुछ हड्डियां मेरे चेहरे की हैं कुछ है हमारी खोपड़ी के कपाल की आप देखते हो किसी की डेथ हो जाती है तो इसी कपाल की अलग से कपाल क्रिया होती है उसको अलग से तोड़ा जाता है यह कपाल आठ हड्डियों से मिलकर के बना हुआ है एक नहीं दो नहीं आठ हड्डियों से मिलकर के बना हुआ है तो अगर मैं इनकी बात करूं आठ हड्डियां ऊपर और पूरे चेहरे में आप दांतों को मत गिनना दांतों के अलावा हम बात करेंगे चौदह फेस के अंदर फेशियल बोन्स जिसको हम कहते हैं वो उपस्थित होती है क्या आप समझ पा रहे हो तो मैम अगर हम स्कल की बात करेंगे अगर हम पहली हेडिंग डालते हैं स्कल ठीक है तो स्कल में क्या क्या देखने को मिला टोटल तो ट्वेंटी सबसे पहले आया यानी कि कि कपाल कपाल जब हमने हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था था तो ये ये कैसे हमारे सर की रक्षा कर रहा है एक प्राकृतिक हेलमेट दिया है भगवान ने कि सीधे चोट ना लगे चोट कहाँ लगेगी इस पहले इस कपाल के ऊपर लगेगी फिर ब्रेन तक चोट जाएगी तो अगर मैं बात कर रही करी क्रेनियम में कितनी हड्डियां हैं आठ हड्डी हैं क्या क्या उपस्थित होती है एक बार सबके नाम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आती है इसमें टेम्पोरल, फिर आएगी फ्रंटल पेराइटल इसको यहीं लिख लो पेराइटल को और ऑक्सीपिटल फिर आती है हमारी एथमॉइड और स्पीनोइड दो दो और बाकी सारी एक अब इसको याद कैसे रखना है आपका जो पीटी टीचर था आपके स्कूल में पीटी टीचर था जब वो गुस्सा हो जाता था जब वो पिटाई लगाता था तो दो दो बार

टू थ्री फोर ये जो दिख रही हैं ये हैं हमारे कपाल के अंदर उपस्थित हमारे कपाल की टेम्पोरल पेराइटल ऑक्सीपिटल और फ्रंटल वाली हड्डी करेक्ट इसके बाद हम अगर इस चेहरे को भी देखेंगे तो मैम चेहरे में मेरी एक तो होती है यहाँ गाल की हड्डी गाल की भी तो एक बोन जिसको हम कहते हैं वो स्फिनोइड है वो, वो एथमोइड है और उसके बाद हमारी यहाँ जो आंखों की पूरी की पूरी बॉल लगी होती है जैसे हम कहते हैं आई बॉल वो आई बॉल कहाँ बैठी हुई है वो आई बॉल भी एक हड्डी में बैठी हुई है जिसका नाम है स्फिनोइड जिसका नाम है स्फिनोइड पहले बताओ समझ में आ रहा है सबको यहां इसकी आईबॉल वाली जो हड्डी होगी तो इनको हम कहते हैं हमारी कपाल की हड्डी हिंदी में इसको नोट कर लेंगे पैराइटल टेम्पोरल फ्रंटल ऑक्सीपिटल एथमॉइड ठीक है ये एथमोइड वाली क्या है आपकी चीक बोन है गाल वाली हड्डी दिखाई दे रही है चीक बोन तो हम अगर याद करेंगे तो हमारे टोटल कपाल के अंदर कितनी हड्डियां दिख रही हैं आठ हड्डी दिख रही हैं ये सिर्फ कपाल में है इसके बाद फोर्टीन बोन्स हमारे चेहरे के अंदर उपस्थित होती हैं यानी कि फेशियल बोन्स जिसको हम कहते हैं चेहरे की हड्डी चेहरे की हड्डी कितनी है टोटल फोर्टीन है अब आप बोलोगे मैम एक बात बताओ आपने ऊपर लिखा है अभी भी नहीं हुई तो मैम बाकी की कहा गई बाकी होती है हमारे कान में तुमने सुना होगा कि हमारे कान में सबसे छोटी शरीर की हड्डी पाई जाती है और कान के अंदर भी तीन तीन हड्डियों का सेट होता है कैसे होता है देखिए जरा अगर मैं कहूं ये आपका कान है तो कान के कितने हिस्से होते हैं तीन हिस्से होते हैं ये हिस्सा है आउटर ईयर कौन सा है बाहरी कान फिर आता है बीच में मिडिल ईयर यानी कि मध्य कान और सबसे अंदर वाला हिस्सा यानी कि इनर ईयर जिसे कहते हैं भीतरी कान तो ये जो मिडिल ईयर मुझे दिख रहा है ये जो मध्य कान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस मध्य कान में क्या उपस्थित है हमारी तीन हड्डियां जो कान की हड्डियाँ कही जाती हैं जो ईयर बोन्स कही जाती हैं वो ईयर बोन्स कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देती हैं एक का आकार कुछ इस तरीके से है जिसका नाम है मेलियस फिर आती है आपकी ये सेकेंड वन जिसको कहते हैं इनकस और लास्ट वाली कुछ इस तरीके से आपको जो दिखाई दे रही है दिस इज योर स्टेपिस मेलियस इनकस और स्टेपिस नाम की तीन हड्डियां हमारे कान के अंदर उपस्थित होती हैं और यही तीन हड्डियां एक कान में और दूसरी दूसरे कान में तो कुल मिला के कितनी हड्डी हो गई बताओ जरा टोटल छह हड्डियां यानी कि टोटल सिक्स बोन्स हमारी उपस्थित है तीन एक कान में तीन दूसरे कान में तो जरा बिठाओगे नंबर तो मैम कितना हो गया यहाँ पर ईयर बोन्स ठीक है ये चेहरे की हो गई फिर आई बोन्स ईयर बोन्स कितनी है थ्री प्लस थ्री यानी कि टोटल छः अब जरा जोड़ना कि क्या मैम उनतीस हड्डियां हुई कि नहीं हुई बोलो या ना जल्दी से बताओ और एक बार सेशन को शेयर करके आएंगे सभी साथी जिन्होंने भी ओके okay. कितनी है भाई Exactly. तो मैम अभी भी तो ये 28 ही हुई है। एक हड्डी और है। है? कोई बताएगा है? जल्दी से बताओ एक बार। एक बार। जो हड्डी बची है हमारी वो कहाँ है और वो कौन सी हड्डी दिखाई देगी तो मैम देखो हमने सबने एक चीज नोट करी है कि हमारे गर्दन में हमारे इस प्रकार से एक हड्डी उपस्थित होती है हमारे इस नेक को जो पीछे की तरफ से जोड़ रही है उसको नाम देते हैं हाईोइड बोन क्या नाम दिया जाता है हायोइड बोन यही हायोइड की हड्डी और हमारे चेहरे के नीचे उपस्थित होती है यह भी अक्षीय कंकाल के स्कल का हिस्सा है इसी को कहते हैं हायोइड की हड्डी क्या आप समझ पा रहे हो बात और इसको कुल मिलाकर के हमारी ट्वेंटी नाइन बोन यहाँ पर हो जाएंगी ये ऐसे घोड़े के नाल की आकार की छोटी सी आपको दिखाई देती है कुछ इस तरीके से यू शेप की होगी ठीक है कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देती है फांसी वाली बहुत बढ़िया ना सावधान रहे सतर्क रहे पढ़ते रहे चलिए तो लास्ट हमारी कौन सी हड्डी यहां पर उपस्थित हुई हायोइड कितनी है ये सिर्फ एक देखी जाएगी ये वाली कौन सी है कान की हड्डी तो बोलो कुल मिला के कितनी हड्डियां हो गई हमारी ये सारी आठ ये फोर्टीन ये 6 ये और हमारी एक टोटल मिला के ट्वेंटी नाइन बोन्स कहाँ हैं हमारे पूरे के पूरे स्कल में उपस्थित दिखाई दे रही हैं। तो so, सबसे पहली कैटेगरी जो हमने बात करी स्कल की क्या आपको समझ में आया कि मैम खोपड़ी में कैसे हैं? हाँ भाई मैम आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी मिल रहा है बहुत बढ़िया सुदर्शन जी देखो आप लोग अपने टेस्ट सीरीज देते रहो क्वेश्चंस को करते रहो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ताकि आप लोगों को भी चीज़ें क्लियर होती रहे और सवाल भी आप लोगों के लगते रहे फांसी के टाइम पर एग्जैक्टली exactly, यही वाली टूट जाती है तो खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ हैं कुल मिला के हमारी उन्तीस हड्डियां उपस्थित हैं इन्हीं उन्तीस हड्डियों में मुद्दे की बात सुनो ध्यान से कि हमारी ये वाली अगर पूछ ले कि भैया कपाल में कौन सी ऐसी दो हड्डियां हैं जो कि संख्या में दो दो पाई जाती हैं आप बोलोगे पेराइटल और टेम्पोरल आपसे पूछा जाए अकेली एक ऐसी हड्डी बताओ चेहरे की जो कि मूव कर रही है जो कि चल रही है अब होता क्या है मैम कुल मिला के चौदाह हड्डियां हैं लेकिन अगर मैं आपसे आज बात कर रही हूं इधर देखो अगर मैं तुमसे बात कर रही हूँ या कोई भी बात है तो हमारा ये जो निचला जबड़ा होता है अकेला ये निचला जबड़ा मूव करता है तुम इस चीज को नोट करना है आप जरा तुम बातें करके देखो और तुम ये देखोगे कि मैम मेरा ऊपर का जबड़ा तो फिक्स है ये तो मूव ही नहीं कर रहा अगर कोई मूव कर रहा है तो केवल ये लोअर जाओ ये आगे पीछे होता है सिर्फ मूवमेंट इसी में दिखाई देती है सो so, क्वेश्चन आता है नेम द ओनली मूवेबल बोन ऑफ दिस सबको आवाज प्रॉपरली आ रही है एक बार बताइए अरे नहीं नहीं कुछ नहीं गया एक बार ध्यान दो इधर आई होप कि आप लोगों को आवाज अभी प्रॉपरली आ रही होगी बफरिंग चलो 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 अभी ठीक है एक बार जल्दी से बताओ आवाज आ रही है सबको ओके right. okay है चलो ठीक है ठीक है अभी ओके okay है ना चलिए So, मैंने कहा कि भैया देखो अगर तुम्हारे मूवमेंट की बात करी जाए तो मात्र एक जबड़ा मेरा ऐसा है जो कि मूव कर रहा है ऊपर का मूव नहीं करता केवल नीचे वाला जो है वो मूव करता हुआ जो चलता हुआ हमें दिखाई देता है कहते हैं ना बहुत मुंह चला रहे हो बहुत जबड़ा चल रहा है तुम्हारा और जब ये भी आपने सुना होगा कि भाई साहब ऐसी लड़ाई हुई कि उसने तो जबड़ा तोड़ दिया मतलब ये जब ऑल राइट right. नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट बात करेंगे कि देखो भाई हमारे कपाल में समझ में आया कि हमारी इसके बाद जो हड्डियां आएंगी वो फेशियल बोन्स होंगी उसमें एक हड्डी ऐसी है जो मूव कर रही है फिर मैं अगर आपसे बोलूं कान की हड्डी तो कान की हड्डी के लिए एक चीज पूछी जाती है क्या पूछी जाती है कि मैम हमारे कान के अंदर तीन बोन्स हैं ईयर में तीन बोन्स हैं जिसका नाम है मेलियस इनकस और स्टेपिस ये स्टेपिस क्या है इसको कहते हैं सबसे छोटी हड्डी स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ईयर ऑफ बॉडी एक्चुअली ठीक है शरीर की सबसे छोटी हड्डी इसको एक बार नोट कर लो मेलियस इनकस एंड स्टेप क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ये जो स्टेपीज है माना कि ये सबसे छोटी है लेकिन इन तीनों की शेप बता दो तो आप बताएंगे ये हैमर के जैसी दिखाई देती है हैमर शेप है ये एनविल शेप है और ये स्टेरप के जैसी दिखाई देती है मतलब इसका आकार देखेंगे ना तो कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पर दिख रहा है ठीक है तो हैमर एनविल और स्टेरप इनके शेप्स के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कि भैया तीनों हड्डियां कौन से कौन से आकार की दिख रही हैं तो आप एग्जैक्टली नाम बता सकते हो और ये भी पूछ सकता है कि ये जो तीनों हड्डियां हैं ये कान के कौन से हिस्से में है सो आपका आंसर क्या आएगा ये मध्य कान में उपस्थित है ये मिडिल ईयर में उपस्थित है मिडिल ईयर में तो मैम ये था हमारा स्कल का पार्ट ये रही हमारी खोपड़ी अब आते हैं इस खोपड़ी से हटके हमारी रीढ़ की हड्डी पे कि आखिर कैसे हमारी ये रीढ़ की हड्डी जो है वो लगी हुई होती है ठीक है बहुत बढ़िया नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी कैसी दिखाई देती है अब जरा इस हड्डी को ध्यान से देखो क्या तुम्हें लगता है कि हमारी बॉडी में थोड़ा बहुत भी अगर मूवमेंट हो रहा है या हम आइट साइड में बेंड कर रहे हैं हम आगे पीछे बेंड कर पा रहे हैं ये किसकी वजह से कर पा रहे हैं ये इसी रीढ़ की हड्डी की वजह से हम कर पाते हैं कुछ लोगों की बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कोई योगा कर रहा है कोई एक्सरसाइज कर रहा है कोई बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल एरोबिक्स के थ्रू कर रहा है सो उन सब के अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी किस में दिख रही है इस वोटिब्रल कॉलम की मसल्स के अंदर आप ईजिली बॉडी में मूवमेंट अब कुछ लोग क्या करते हैं दिन भर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं लैपटॉप पे काम कर रहे हैं बैठे हुए हैं पढ़ाई कर रहे हैं उनकी बॉडी में उनके वर्टिब्रल कॉलम में एक स्टिफनेस आ जाती है कहते हो ना कमर अकड़ गई है तो वो क्या होता है इसी बॉडी के पॉस्चर में आपको दिखाई देता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है या हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है यह दिक्कत करती है लेकिन अगर मैं बात करूँ कि आखिर इसमें कितनी हड्डियाँ उपस्थित होती हैं कैसे कैसे इसकी बोन्स लगी हुई हैं तो याद रखेंगे कि हमारे ऊपर वाले जो स्कल की हम बात कर रहे हैं ये रहा मेरा खोपड़ी ये पूरी की पूरी स्कल लग रही है इस कल से रीढ़ की हड्डी एग्जैक्टली सबसे पहले यहां से लगी हुई दिखाई दे रही है मेरुदंड कहेंगे कशेरुक स्तंभ कहेंगे क्लियर है बोलो बात सबको समझ में आ रही है तो मैम हमें क्या दिख रहा है ये स्कल मूव कर पा रहा है ये हड्डियां मूव कर पा रही है कुछ मांसपेशी लगी हुई है इसके साथ और ये जहां से कनेक्टेड है ये वाला जो हिस्सा मुझे कनेक्टेड दिखाई दे रहा है ये सारी की सारी कुछ ना कुछ हड्डियां यहाँ पर मुझे दिख रही हैं इन हड्डियों को कहते हैं वर्टिब्री या कशेरुकीय ठीक है थीके? इनको कहा जाता है वर्टिब्री ये एक एक हड्डी की जब हम बात करते हैं ये एक इंडिविजुअल हड्डी है ऐसे कितनी हड्डियां होती हैं टोटल 26 हड्डियां और क्या बना लेती हैं सीधी की सीधी एक रीढ़ की हड्डी यहां पर बना लेती हैं क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मतलब मैम पता है क्या देखो एस एस सी हो रेलवेज हो कोई भी कैसा भी एग्जाम अगर ले रहा हो वो ये पूछेगा कि तुमने टीचर से क्या पढ़ा वो ये नहीं पूछेगा तुमने चैट बॉक्स में किसको पांडा बोला कौन कब आई कौन कब गई है ना किसका दिल कितनी बार टूटा किसने कितनी बार खाना खाया नहीं खाया बिल्कुल भी नहीं पूछेगा फिर भी सुनना ही नहीं होता कर लो पहले पहले, पहले खाना खिला लो जाके तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि भैया यहां पे 26 रीढ़ की हड्डियां उपस्थित दिखाई दे रही हैं सबसे पहले नोट करेंगे वर्टिब्रल कॉलम की हेडिंग डाल के देखो भाई नेक्स्ट क्या है वर्टिब्रल कॉलम क्वेश्चन आएगा कितनी हड्डियां होती हैं ट्वेंटी सिक्स बोन्स यहां पर होती हैं शेरुक स्तंभ या जिसको आप मेरुदंड भी कहते हो तुम देखते हो जब भी एग्जाम का रिजल्ट आता है कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा वो ये पूछेगा रैंक वन किसकी आई रैंक टू किसकी आई ज्यादा से ज्यादा ही पूछ लेगा लास्ट में कौन आया था भैया है ना अगर किसी को थोड़ा सा ध्यान हो ऐसे ही यहाँ पे होता है यहाँ पर पूछा जाता है कि आखिर सबसे पहली हड्डी कौन सी है आपने बोला कि इस खोपड़ी से लगी हुई है तो एक सबसे पहली हड्डी होगी फिर दूसरी भी पूछ लेता है इसकी किस्मत बढ़िया है इसकी सेकेंड नंबर की भी बात हो जाती है फिर पूछता है जो लास्ट में हड्डी लग रही है ये कौन सी है तो या, याद रखना है फर्स्ट बोन या फर्स्ट वर्टिब्री सबसे पहली लगी हुई कशेरुक स्तंभ में हड्डी कहलाती है एटलस अब इसको याद कैसे रखोगे एटलस को तुम सब ने जोग्राफी पढ़ी है पढ़ी है मैम जोग्राफी में हमारा एटलस होता है हम पूरा का पूरा ग्लोब उसके अंदर देख पाते हैं मान लो ये जो मेरा स्कल है ये एक प्रकार से ग्लोब है और इसी एटलस के ऊपर ये पूरा ग्लोब क्या कर रहा है घूम रहे है, रहे है।, है ना थ्री सिक्सटी डिग्री नहीं घूम पा रहा कोई बात नहीं मैम मगर थोड़ा बहुत तो घूम रहा है टू सेवेंटी तक तो देख ही पा रहा है तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आखिर सबसे पहली हड्डी कौन सी है तो आप बताएंगे एटलस है ये पहली बोन जो हमारी रीढ़ की हड्डी में दिखाई देती है और इसके जस्ट नीचे क्या है एक्सेस दिखाई दे रही है ठीक है सेकेंड वाली कौन सी होगी वो मुझे एक्सेस दिखाई देती है बोलो बात समझ आ रही है पेल्विक पेल्विक का का पार्ट नहीं होता क्या? पेल्विक बैक का पार्ट नहीं होता क्या? नहीं नहीं होता होता क्या क्या दूसरी अच्छा आखिरी सी होगी तुम्हें तो पता है कि हम किससे हम पहले चिंपेजी गोरिल्ला मतलब हमारे अंदर जो इवोल्यूशन हुआ है उन लोगों में पहले क्या थी एक पूंछ हुआ करती थी तो हमारे अंदर तो पूछ नहीं आती है मैम लेकिन हमारे अंदर एक हड्डी होती है जिसको नाम देते हैं कॉकिक्स जो कि हमारी टेल बोन की तरह देखी जाती है क्या देखी जाती है टेल बोन की तरह देखी जाती है प्रिंस प्रिंस क्या पूछ रहे हैं फर्स्ट पूछा था प्रिंस, आप एक बार पूरा क्वेश्चन जो भी आप पूछना चाह रहे हो आप टेलीग्राम चैनल पे कर सकते हो या फिर आप क्वेरी नंबर पे एक बार आप अपने क्वेश्चन को पूछ लेना ठीक है उसको अपन देख लेंगे क्वेश्चन क्या है पूरा आप बता दो एक बार ठीक है भाई तो लास्ट वाली कौन सी होती है पहली पढ़ी दूसरी पढ़ी लास्ट इज कॉकिक्स लास्ट कौन सी है हमारी कॉकिक्स देखी जाएगी तीन अपने को याद रखनी है फर्स्ट सेकंड एंड द लास्ट वन स्पाइनल कॉर्ड क्या है कितने लोगों ने नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा था जब हमने तंत्र का तंत्र पढ़ाया था तो हमने वही बताया था कि भाई देखो यहाँ पर आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी के अंदर से जाने वाली एक नली एक कॉर्ड दिखाई देती है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं इसी हड्डियों के बीचों बीच से जा रही होगी इतनी बात समझ में आई अब मैं क्या करूंगी अब मैं इसी रीढ़ की हड्डी को पांच भागों में विभाजित कर दूंगी क्योंकि मुझे छब्बीस हड्डियां पढ़नी है इसका सबसे पहला वाला क्षेत्र कहलाता है सर्वाइकल कई बार सुना होगा ना मैम सर्वाइकल का बहुत पेन हो रहा है क्या है सर्वाइकल सर्वाइकल पहली सात हड्डियां कशेरुक स्तंभ की कहलाई जाती है यानी कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यहां से लेके यहाँ तक ये यह पहली जो सात हड्डी आप देख पा रहे हो ये हड्डी किसकी है ये हमारी सर्वाइकल यानी कि नेक वाला क्षेत्र है हमारी गर्दन का क्षेत्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है करेक्ट तो फर्स्ट सेवन बोन्स किस पे आई सर्वाइकल में फिर उसके बाद जो आपके पूरे के पूरे फेफड़े लगे होते हैं उन्हीं फेफड़ों के बिल्कुल पीछे की तरफ हड्डियां होती हैं जो हमारे वक्ष क्षेत्र में या थोरेसिक कैविटी के अंदर देखी जाती है मतलब ये पूरा क्षेत्र जहां से मेरी पसली शुरू हो रही है आप कहोगे जहां से हमारी आगे की तरफ जो फेफड़े हैं उसका एरिया दिखाई दे रहा है उसको हम कहते हैं थोरेसिक की बारह हड्डियां तो पहली सर्वाइकल दूसरी थोड़ा फिर आया हमारा एबडोमिन वाला रीजन जिसे हम कहते हैं हमारा अमाशय लिवर ये सब वहां पर उपस्थित है इसको कहा जाएगा एबडोमिन वाले क्षेत्र को लुम्बार का क्षेत्र ठीक है पांच हड्डी होंगी जो लुम्बर की आपको दिखाई देती हैं फिर आएगा पीछे की तरफ यहां जो कूल्हे का जोड़ होता है उस बीच में भी एक हड्डी नजर आती है जिसको कहते हैं सैक्रल की हड्डी और लास्ट में हमारी पूंछ यानी कि टेल बोन या कॉक जिसको हम कहते हैं वो उपस्थित होती है तो हमें एक कोड याद रखना है जैसे तुम ढेर सारे फोन नंबर डेट एनिवर्सरी सब याद रखते हो ऐसे कोड याद रखना कोड क्या है मैम देखिए सबसे पहले सर्वाइकल फिर थोरेसिक लुम्बर ठीक है कितनी कितनी हड्डी बताई मैंने आपको सात बारह पांच एक एक कुल मिला के कितनी हो गई छब्बीस हड्डियां यहां पर हो गई तुम याद क्या रखोगे सी टी एल एस सी सात बारह पांच एक एक सर्वाइकल थोड़ा सिकंबर सैक्रल कॉकिक्स तो सी टी एल एस सी सात बारह पाँच एक एक ये अपने को क्या करना है याद रखना है मैम आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा चुकी हैं क्या हाँ जी आप एक बार इस क्लास की इस पूरे बैच की प्लेलिस्ट को चेक कर लेना जो भी स्टूडेंट्स नहीं पढ़े हैं ऑलरेडी काफ़ी सारे सिस्टम्स आपकी बॉडी के हो चुके हैं करेक्ट तो एक बार प्ले में देख लेना डाइजेशन रेस्पिरेशन नर्वस सिस्टम सारे के सारे हो चुके हैं करेक्ट समझ आया सबको तो मैम अब क्वेश्चन ये आ जाएगा भाई साहब नेक वाला क्षेत्र कौन सा है गर्दन का क्षेत्र कौन सा है तो ये वाला हमारा गर्दन वाला क्षेत्र है ये कौन सा है ये वक्ष क्षेत्र है जिसके अंदर फेफड़े दिखाई देते हैं ये हमारा एबडोमिनल रीजन है एबडोमिन यानी कि आपको दिखाई देगा उदर गुहा ठीक है ये आप कह सकते हो ब्रैकेट में अमाशय वाला क्षेत्र फिर उसके बाद आता है आपका सेक्रल सेक्रल हो गया जो आपके पेल्विक गर्डल के बीच का जोड़ कूल्हे वाला हिस्सा दिखाई देता है और इसके नीचे हमारी पूंछ जिसको हम कहते हैं या टेल जिसको हम कहते हैं वो वाला हिस्सा तो क्या आप सभी को समझ में आया हाँ भाई सी टी एल एस सी जल्दी जल्दी से बताओ एक बार फटाफट से अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी मेरा क्वेश्चन आंसर करना है सभी को ठीक है मेरा क्वेश्चन का आंसर कर दो एक बार फटाफट से क्वेश्चन ये है मैम कि ये सारी हड्डियाँ क्या बच्चा पैदा हुआ है तब से सेम होंगी या कुछ अंतर होगा कि बच्चा जब पैदा हुआ है तब से ही इतनी छब्बीस हड्डी लेके बना है या उसके पैदा होते टाइम पर कुछ और हड्डियां यहाँ पर दिखाई देंगी बताओ जरा एक बार हाँ ये बारह पसलियां भी आएंगी है ना तो ये कब का है ये एडल्ट वाला है ये एक व्यसक मनुष्य के अंदर बात कर रही हूँ मैं जब ये पैदा हुआ होगा ना तब इतनी नहीं दिखाई देती तब होती है तैतीस हड्डिया के, के साथ पैदा कर अगर मैं आपसे बोलूं कि एक चिल्ड्रन के अंदर या एक न्यू बॉर्न के अंदर एक इन्फेंट के अंदर कितनी हड्डी होंगी तो आप बोलोगे देखो मैम वो पैदा हुआ है उसके अंदर नेक में तो सात हड्डियां ही हैं लेकिन उसकी सर्वाइकल में बारह यहां पर पांच यहां पर पांच और यहां पर चार कितनी हो गई थर्टी थ्री बोलो मैम डेली बेसिस पे क्लास करा दीजिए बहुत जल्दी करेंगे इसको भी पहले जो डेली हो रही हैं उनको कर लो अच्छे से समझ लो अरे ये बात कर रही हूं मैं जब बच्चा पैदा हुआ है जस्ट उसके पैदा होने पर जब बच्चा जन्म लेगा बाकी की सात चली बताओ कहां चली गई गई बताओ पेट में चूहे थे मैम चूहे दौड़ के भक के ले गए ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि मैम पेट में चूहे आए कूदते फलांगते और उन हड्डियों को खा गए नहीं ये होता क्या है कि ये सारी हड्डियाँ इनमें पांच हड्डी फ्यूज होके एक रह जाती है और ये चार हड्डियाँ फ्यूज होकर के एक रह जाती है मतलब ये जुड़ जाती है ये थी तो यहाँ पर कुछ पांच लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा हुआ इन पांचों हड्डियों ने संगठन बनाया और ये एक हड्डी बन के तैयार हो गई ऐसे यहाँ पर जो चार हड्डी आपको दिखाई देती हैं, ये फ्यूज होकर के एक हड्डी बन के बन गई दिखाई दे गई करेक्ट 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 तो ये है छब्बीस हड्डियों का रीढ़ का या जैसे हम रीढ़ की हड्डी या बैकबोन या जिसको हम कहते हैं कशेरुक स्तंभ जिन जानवरों में ये कशेरुक स्तंभ होता है उनको कशेरुकिया कहते हैं उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम है और जिनमें नहीं होता उनको अकशेरुकिया कहा जाता है इंसान क्या है इंसान भी एक चलता फिरता जानवर है भाई इंसान भी एक जानवर है और इसी जो हम हड्डी की बात कर रहे हैं ना इस रीढ़ की हड्डी की इसी के अंदर से हमारी क्या जा रही होती है देखो इधर

ये एक हड्डी है इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है इसके साथ जुड़ा हुआ है हमारी पसलियां तो अब बात करेंगे पसलियों के बारे में यानी कि रिब्स के बारे में या रिब्स के बारे में तो नेक्स्ट हेडिंग यहां पर डालेंगे पसली या रिब्स थर्ड वन रिब्स अब ये पसली एक्चुअली में हम कहते हैं ट्वेंटी फोर बोन्स हैं यहाँ पे चौबीस हड्डियां हैं लेकिन ये चौबीस हड्डियां ना बारह पेयर्स में या बारह जोड़ी में दिखाई देती हैं बारह जोड़ी में दिखाई देती है अब जोड़ी कैसे बारह एक तरफ बारह एक तरफ पसली दोनों साइड होती है ना पसली दोनों तरफ है तो बारह एक तरफ और बारह एक तरफ यहां पर दिखाई दे रही हैं देखो कैसे दिख रही हैं तुमने इस टाइम पर अपना जो फेफड़े हैं वो भी पढ़ लिए हैं तुमने ये भी समझ लिया है कि हमारा दिल कहाँ है तो अब तुम बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि मैम इसी पसलियों के अंदर हमारे दोनों साइड पे क्या उपस्थित है हमारे फेफड़े और बीचों बीच में ये मेरा दिल जो है वो धड़क रहा है जिसका वेंट्रिकल वाला क्षेत्र कहाँ आ रहा है लेफ्ट में आ रहा है इसलिए दिल मुझे लेफ्ट में दिख रहा है मुद्दा कहाँ है वो तो सेंटर में ही है वो तो सेंटर में ही है इसको कवर कौन कर रहा है इन पूरी पसलियों को अगर आप देखेंगे तो ये प्रोटेक्शन का काम कर रही है अंदर की तरफ इसके फेफड़े और हमारा हृदय बैठा हुआ होता है एग्जैक्टली exactly इसके नीचे यहाँ पे हमारा आमाशय निकलता हुआ दिखाई देता है तो पूरा ये जो ढांचा है ना बहुत सोच समझ के भगवान ने बनाया है कोई हल्के में नहीं बनाया भाई देखो तो ये पूरा जो सिस्टम है कुछ इस प्रकार से पसलियों का आपको दिखाई देता है कितनी है टोटल ट्वेंटी बोन्स या चौबीस हड्डियां किस किस तरीके से बारह एक तरफ बारह दूसरी तरफ अब बारह ही क्यों है मैम तो देखो पीछे ना बारह थोर वाले क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी है ये आगे की तरफ से एक हड्डी से लगी हुई है जो एक टाई के आकार की मुझे दिख रही है पसलियां आकर के इससे जुड़ रही ये, ये हड्डी है इसको कहते हैं स्टर्नम इस हड्डी को नाम देते हैं स्टर्नम एक सपाट चपटी फ्लैट बोन दिख रही है जो कि बिल्कुल बीचों बीच में हमारी पसलियों को आगे से जोड़ने का काम कर रही है चेस्ट बोन ब्रेस्ट बोन उपास इसको उरोस थी बहुत सारे नाम जो है वो यहाँ पर दिए जाते हैं तो अगर आप देखेंगे कि आखिरकार ये चेस्ट बोन कहाँ है कैसी है तो आपको ना ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देती है कुछ इस प्रकार से ये बिल्कुल सेंटर में बीचो बीच आपको दिख रही है एक अकेली हड्डी है दिस इज कॉल्ड ए स्टर्नम बहुत बच्चे इसको शबनम के नाम से याद कर लेते हैं ये शबनम नहीं स्टर्नम है शबनम नहीं स्टर्नम है तो बोलो बात समझ में आ रही है हाँ ये केवल एक बोन यहाँ पर दिखाई देती है केवल एक बोन यहाँ पर ये दिख रही है ठीक है All right. so, इस तर्नम से आकर के मैम ये सारी की सारी पसलियां हमारी जुड़ गई अब इन पसलियों को अगर मैं देखूं तो आप एक चीज नोट कर रहे हो कि देखो मैम ये पसलियां मुझे कुछ घूमती हुई दिख रही हैं मतलब हमारी जो फेफड़े हैं जब हम सांस लेते हैं तो ऊपर नीचे होते हैं कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है इन पसलियों में भी धोखेबाजी होती है इन पसलियों में भी कुछ ईमानदार हैं कुछ वफादार हैं और कुछ धोखेबाज हैं कैसे हैं सबसे पहले पीछे की तरफ हमारी लगी हुई है रीढ़ की हड्डी और आगे की तरफ है स्टर्डम जितनी भी पसलियां आप देखोगे जितनी भी रिब्स आप देखते हैं तो वो रिब्स होती हैं बाईस ठीक है ये दिखाई देती है बाई सिलिक बाई सिफेलिक का मतलब मैंने आपको बताया था सिफेलिक वर्ड आता है सिर के लिए और बाई मतलब क्या हुआ दो मतलब इसके दो सिर हैं कैसे हैं दो सिर जरा इधर ध्यान देना ये मैम कुछ इस आकार की मुझे दिखाई देती है कुछ इस आकार की मतलब इसको एक तरफ किससे जुड़ना है एक तरफ तो ये जाएगी और जाकर के हमारी स्टर्नम से जुड़ जाती है ठीक है हमने जिसको बोला उपास थी और एक तरफ से जाएगी और हमारी पसलियों से जुड़ जाएगी तो इसके दो सिर हैं आगे से भी जुड़ रही है और पीछे से भी जुड़ रही है आगे से भी जुड़ रही है और पीछे से भी जुड़ रही है जो भी चीज तुम्हें आगे पीछे दोनों तरफ से जुड़ती हुई दिखाई दे मैं अगर तुम्हें से ऐसे बताऊं तो देखो ये आगे की तरफ गई और जाकर के हमारी यहाँ पर जो स्टर्नम थी उससे जुड़ गई और एग्जैक्टली exactly पीछे की तरफ जाएगी तो हमारी इसी शेप में जो वर्टिब्रल कॉलम है वो मुझे दिखाई देती है और इससे जाकर के क्या हो जाती है ये फिक्स हो जाती है इसके अंदर जाकर फंस जाती है तो हमारा एक सिस्टम बना देती है कि अच्छा भाई साहब इस पूरे कनेक्शन के अंदर जो अटैचमेंट का पॉइंट है वो यहाँ पर ये दोनों दिखाई दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं बाईस दो सिर वाली आगे की तरफ से स्टर्नम से और पीछे की तरफ से वर्टिब्रल कॉलम से क्या आप सबको ये बात समझ में आ रही है या नहीं करेक्ट है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि ठीक है मैम ये लगी हुई तो हैं मगर इनमें सबसे पहले नंबर से लेके सबसे सातवें नंबर तक की डायरेक्टली किससे जुड़ी हुई होती है स्टर्नम से. अब इस डायग्राम को देखेंगे जरा ध्यान से हाँ या ना का आंसर देना है मैम आगे से हमें कुछ हड्डियां स्टर्नम वाली बोन से जिसको हम चेस्ट बोन कहते हैं उससे लगी हुई दिख रही हैं और पीछे की तरफ से सारी की सारी किससे जुड़ी है वर्टिप्रल कॉलम से तो अगर मैं आपको एक चीज बोलूँ कि देखो यहाँ से अगर मैं शुरू करती हूँ नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सातवीं तो ये सात हड्डियां मुझे डायरेक्टली किससे जुड़ी हुई दिख रही हैं इससे इससे और पीछे की तरफ ये किससे होंगी हमारे रीढ़ की हड्डी से मतलब प्रॉपर तमीज से जुड़ रही है ये आगे की तरफ से भी अटैच है और पीछे की तरफ से भी अटैच है करेक्ट लेकिन मैम देखो इसके बाद इसके बाद ये जो तीन दिख रही है ना इस सातवें के बाद नंबर आठ नंबर नौ और नंबर दस ये तीनों जाकर के इस सेवेंथ वाली बोन से अटैच हैं ये हमारी किसी भी तरीके से इस स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं है तो ये होती हैं झूठी ये कर रही है बेवफाई पीछे से तो वर्टीब्रल कॉलम से जुड़ गई मगर आगे की तरफ किससे जुड़ी हुई है ये सातवीं वाली पसली से जुड़ रही है इसीलिए इनको कहते हैं फॉल्स रिब्स या झूठी पसलियां और ऊपर वाली पहले नंबर से सातवें नंबर तक की उनको कहा जाता है सच्ची पसलियां उनको कहा जाता है सच्ची पसलियां मैम आप कॉमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे रहे हो प्लीज आप कॉमेंट्स नहीं देखते हैं अतुल यादव जी कह रहे हैं आप कमेंट्स नहीं देखते हैं अतुल जी आप एक बात बताइए जब आपको टॉपिक समझाया जा रहा है तो थोड़ा सा ध्यान टॉपिक पे दे लीजिए उसके बाद आपके लास्ट में जो भी सेशन के कमेंट्स रहते हैं उनको भी हम ले लेंगे पहले पढ़ने पे ध्यान दे लो फिर लास्ट में कमेंट करोगे कि मैम हमें समझ नहीं आया ये वही होते हैं जो बाद में एग्जाम निकलने के बाद कहेंगे टीचर ने क्या पढ़ाया था पढ़ाया नहीं था टीचर ने है ना टीचर तो बातें कर रहा था पूरी क्लास में थोड़ा सा ध्यान दे लिया करो जब टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है आपको बेस्ट टू बेस्ट चीजें दे रहा है अपनी पूरी एनर्जी आपको समझाने में लगा रहा है तो आपका भी शायद कहीं ना कहीं ये फर्ज बनता है कि हम समझने का प्रयास करें अगर हमें दिक्कत हो रही है तो हम पूछ ले। लेकिन जब चीजें क्लियर हो रही हैं तो फिर इंस्टेड ऑफ की हम चैटिंग कर रहे हैं टाइपिंग कर रहे हैं कुछ काम नहीं आएगा ये सब कुछ भी काम नहीं आएगा कर लो खूब टाइम खराब करने वाले हर साल आते हैं हर साल टाइम खराब करके चले जाते हैं बहुत आए हैं ऐसे बहुत तैयारी कर रहे हैं इस टाइम तो मैं नहीं पता तुम्हारा तो कंपटीशन कितनों से है हर चीज को इतने हल्के में लेना सब चीज लाइट में लेना ठीक है ना हो जाएगा एग्जाम ही तो एसएससी तो है खेल लेंगे हम भी बहुत है बेटा लाइन में सुधर जाओ वरना सरकारी नौकरी वाले ले जाएंगे सब देखो इधर तो एक से लेकर के 7 तक किससे जुड़ी हुई है सीधे-सीधे हमारी स्टर्नम से जुड़ी हुई है और पीछे की तरफ क्या है वो किसी भी प्रकार से हमारी वर्टिबल कॉलम से जुड़ रही है तो जो फर्स्ट टू इसको हम नाम देते हैं ट्रू रिप्स या सच्ची पसलियां सच्ची पसली फिर आती है नंबर आठ नंबर नौ और नंबर दस इनको कहते हैं पॉल्स रिप्स या झूठी पसली एंड नंबर ग्यारह और नंबर बारह इनको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स या तैरती हुई पसली तैरती पसली बताओ तैर कैसे रही है फ्लोट कैसे कर रही होंगी जल्दी से बताओ एक बार ये फ्लोट यानी कि इनका तैरना तुम्हें कहाँ दिखाई दे रहा है मैं अगर तुम्हारे सामने रखूं तो पहले नंबर एक से लेकर नंबर सात तक किससे जुड़ रही हैं स्टर्नम से फिर आई नंबर आठ नौ और दस ये तीनों के तीनों आपको कहाँ दिख रही हैं एट नाइन एंड टेन किससे जुड़ रही है नंबर सेवन से क्या ये डायरेक्टली इस टर्नअप से जुड़ी हुई है नहीं पीछे से पूरी बारह पसलियां रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होंगी मगर आगे की तरफ थोड़ा खेला होता है कि पहली साथ ट्रू है बाकी की तीनों फॉल्स हैं और ये जो तुम देख रहे हो ये ये वाली पीछे से तो जुड़ी हुई है दोनों हड्डियों से मगर आगे किसी से जुड़ नहीं रही है सिर्फ आपके इस सिस्टम के अंदर तैर रही है इसीलिए मैंने इसको क्या नाम दिया मैंने कहा दीज आर फ्लोटिंग या तैरती हुई पसली यही क्या कर रही हैं यही मुझे तैरती हुई दिखाई दे रही हैं एक बार जल्दी से बताओ कि क्या क्लियर हुई चीजें इज दिस क्लियर टू एवरीबडी इन्हें कहते हैं चौबीस पसलियां तो आई होप कि आप लोगों को, को चीजें समझ में आई होंगी कि हमारी चौबीस या बारह जोड़ी जो मुझे दिख रहे हैं these are 12 pairs, या जिसको हम कहेंगे ठीक है इसके बाद आता है लास्ट वन फोर्थ वन जिसको हम नाम देते हैं स्टर्नम स्टर्नम को कई और नामों से भी जाना जाता है इसको कहते हैं चेस्ट बोन छाती में आपको दिखाई दे रही है ठीक है इसको टाई के आकार की है तो हम इसको टाई बोन भी कहते हैं क्योंकि ये बीचों बीच में मुझे टाई के आकार की दिखाई देती है तो टाई बोन पूछ ले ब्रेस्ट बोन पूछ ले चेस्ट बोन पूछ ले ये सब क्या है ये सब हमारा स्टर्नम नाम से एक सिंगल सपाट हड्डी जो दिखाई दे रही है वो है स्टर्नम की कितनी बोन्स है यहाँ पर टोटल नंबर एक ठीक है कनेक्टेड टू रिब्स पसली से जुड़ी हुई तो अब मुझे बताओ सबको ये पूरी की पूरी की हड्डियां याद हुई कि नहीं हुई जल्दी से मुझे एक बार बताएंगे क्या आपको अक्षीय कंकाल समझ में आया सभी को क्या आप सभी को अक्षय कंकाल क्लियर हुआ कि मैम अस्सी में से ट्वेंटी में है, में 26 है पसली चौबीस हैं और एक यहाँ पर है कोई दिक्कत समस्या कि पूरी पूरी तो दुनिया भर की चीजों पे हो ऑल राइट right, अब बात करते हैं परिष्टीय कंकाल की जिसमें आती हैं वन ट्वेंटी सिक्स बोन्स एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि अगर तुम्हारे सामने एक नाम लिख दिया जाए दैट इज रिब केज क्या आप मुझे बताओगे इस पसलियों के केज में पिंजरे में क्या क्या चीज़ें आती हैं वट डू यू मीन बाय केज आप रिप केज से क्या समझते हैं आंसर करें एक बार मैम सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा जल्दी हो जाएगा प्रयास करेंगे कि आपका सिलेबस आपके प्रॉब्लम से पहले हो जाए नहीं बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा फिलहाल फ्री में आपको सब कुछ ए टू जेड बैच में बिल्कुल वही कंटेंट दिया जा रहा है जो आपके पेड बैच का रहता है ये कंप्लीटली फ्री बैच उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते सो so इस बैच में अगर आप चाहते हैं अभी पेड बैच आपका इंडिविजुअल नहीं है अगर आप चाहते हैं तो इस बैच के अंदर आप इनरोल कर सकते हैं बाकी जल्द ही अगर हुआ तो आपका बैच आ जाएगा क्लियर तो अब ये कह रहे हैं रिब केज रिब केज मतलब पसलियों का ढांचा पसलियों का ढांचा तो तुम्हें लगेगा क्या कि मैम देखो इसमें केवल और केवल पसलियां ही तो होंगी नहीं इसमें पसलियां भी होती हैं साथ-साथ में आपने देखा कि ये पूरी की पूरी पसलियां जो है वो हमारी किससे जुड़ रही हैं एक स्टर्नम से जुड़ रही हैं तो भैया अगर इसमें पसली है तो स्टर्नम भी होगी और और क्या होगा इसके अंदर आपकी थोरैसिक वर्टीबरी हड्डियों की बात कर रही हूं मैं तो पीछे की तरफ जो मेरी 12 रीढ़ की हड्डी थी जो थोरेसिक वाले क्षेत्र में थी ये तीनों मिलकर के बनाती है रिप के. सवाल पूछ लिया था एक बार और भैया सभी हो गए थे कंफ्यूज मैम ये क्या पूछ लिया गया तो इसलिए ध्यान रखना इसको पसलियों के ढांचे में मतलब इस पूरे रिप केज के अंदर आप देखोगे पूरी आगे पीछे पीछे से भी तो कनेक्टेड है ना पसली आगे से अगर इससे है तो पीछे से इससे कनेक्टेड है तो दोनों को ही हम कंसीडर करेंगे पूरे को बोलेंगे पसलियों का ढांचा ये नहीं पूछ रहा अंदर के अंदर तो फेफड़े हैं दिल भी है समझ आ गई बात क्लियर ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हाँ जी तो इसे कहते हैं रिबकेज अब बात करेंगे कि मैम हमारी जो बची-कुची बाकी की हड्डियां हैं जिसको हमने कहा अपेंडिकुलर स्केलेटन वो कैसे दिखाई देता है ठीक है वो हमारा कैसे यहां पर दिखाई देता है तो देखो जरा अब तक हमने इसकी बात करी अस्थि हड्डियों की अब हम बात करेंगे हमारे इन हाथों की और इन पैरों की साथ में दो कूल्हे और दो कंधे दो कूल्हे और दो कंधे तो अगर मुझे इसे डिवाइड करना हो तो मैं कैसे डिवाइड करूंगी मैंने कहा भैया देखो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, है कंकाल इसमें कुछ तो हमारे हाथ हैं और कुछ हमारे जोड़ हैं हाथों और पैरों को बोला मैंने लिम्ब बोन्स ठीक है इसके अंदर आते हैं हाइंड लिम्ब और फोर लिंब ठीक है ये हमारे पैर और ये हमारे हाथ इनके नाम के पीछे लिंब आ रहा है तो याद रखेंगे लिंब बोन्स है टोटल बताऊं तो यहाँ पर तीस हड्डी एक पैर में तीस हड्डी एक पैर में साठ हड्डियां हमारे दोनों पैरों में होती हैं। और इसी प्रकार से तीस मेरे एक हाथ में और तीस मेरे दूसरे हाथ में तो टोटल साठ हड्डी हमारे दोनों हाथों में दिखाई दे रही हैं तो कुल मिला के मैम एक बात बताओ एक सौ बीस हड्डी तो यहीं चली गई एक सौ छब्बीस में से बचा क्या कंधे और कूल्हे में कितनी हड्डियां होंगी दो चार बस तो हम अगर दूसरा हिस्सा यहाँ बात करें इन्हें कहते हैं गर्डल और ये गर्डल यानी कि ये जो जोड़ होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं एक होता है पेक्टोरल पेक टोरल गर्डल जिसे हम कहते हैं कंधे का जोड़ कंधे का जोड़ और दूसरा होता है पेल्विक गर्डल जिसे कहते हैं कूल्हे का जोड़ ठीक है अब मुद्दा क्या है कि मैम देखो क्या बात हुई चलो तुम्हें पता है जीवन में कितनी टेंशन है तुम छोटी छोटी बातों को लेकर रो जाते हो यहाँ जीवन में इस लोगों को सीजीएल की टेंशन नहीं है है ना और इन्हें जरा जरा सी बातों की टेंशन हो रही है कि मैम ये क्या हो गया क्या भोकाल मच गया हमारे लाइफ में स्टर्नम मैंने बताई थी चेस्ट बोन है जो हमारी आगे की तरफ छाती में बीचों बीच में उपस्थित होती है आगे की तरफ पसलियों को जोड़ के रखने का काम कर रही है तो पेक्टोरल गर्डल में कुल मिला के दो एक तरफ दो एक तरफ यानी कि दो हड्डियां एक कंधे में दो हड्डियां एक कंधे में कितनी हो गई चार ऐसे कूल्हे में एक एक कूल्हे में एक दूसरे कूल्हे में मिला के हो गई दो हड्डी कितनी हो गई छह हड्डी कितनी हो गई एक सौ छब्बीस हड्डियां हो गई टोटल की टोटल अब बात करेंगे एक एक की अब बात करेंगे टोटल की मैम देखो हमारे हाथ में आखिर मसला क्या चल रहा है अगर मैं आपको बोलूं कि हमारा जो पूरा का पूरा हाथ है उसमें टोटल थर्टी बोन्स है और थर्टी बोन्स कैसे हैं थर्टी बोन्स कैसे हैं तो आप देखोगे कि मैम हमारे इस कंधे से लेकर कोहनी तक एक हड्डी होती है जिसको नाम दिया गया है स्टर्नम की हड्डी क्या नाम दिया हुआ है सॉरी uh, ह्यूमरस की हड्डी पहली कंधे से लेके कोहनी तक तो सबसे पहला नाम लिखेंगे हाथों के लिए यानी कि हमारे फोर लिम्ब फोर लिंब में पहली जिसको कहते हैं ह्यूमरस कितनी है एक हड्डी है दूसरी आती है जिसका नाम है रेडियस और अलना. मतलब ये दो हड्डियां हमारे इस कोहनी से लेकर और इस कलाई तक यहां से लेके यहां तक इस बीच में दो हड्डियां लगी होती हैं और दोनों ही आपस में आपको दिखाई देंगी पैरल लगी हुई तो इन दोनों हड्डियों में नाम क्या है एक का नाम है रेडियस है ना और दूसरे का है रेडियस और अल्ना फिर आता है मैम हमारी कलाई कलाई को कहते हैं कार्पल कलाई को क्या कहते हैं कार्पल कलाई में कुल मिला के आठ हड्डी होती हैं फिर आता है हमारा पंजा जिसको कहा मेटा कार्पल पंजे की हड्डी कितनी है पांच और लास्ट में आती है हमारी उंगलियां जिसको नाम देते हैं फेलेंज ठीक है उंगली कितनी है टोटल फोर्टीन बोन्स तो कुल मिला के कितनी हो गई तीस तीस हड्डी एक हाथ में तीस दूसरे हाथ में तीस एक में तीस दूसरे में करेक्ट बोलो कोई समस्या अरे एक बात बताओ तुम लोग स्टार्टिंग में तो मतलब बहुत जोश के साथ पढ़ाई करते हो उसके बाद क्या हो जाता है तुम्हें शुरुआत में सभी साथी बिल्कुल बढ़िया तरीके से कि नहीं नहीं मैम इस बार हम सिलेक्शन लेंगे है ना जब आपके लिए कोई भी चीज प्रारंभ करी जाती है उस टाइम पे तुम्हारे अंदर जो एनर्जी होती है जो ऊर्जा होती है वो बहुत बढ़िया होती है जैसे जैसे तुम एग्जाम के नजदीक आते हो तुम्हारी वो एनर्जी कैसे फीकी पड़ जाती है कैसे डाउन हो जाती है टीचर आपके लिए सेम एनर्जी और बल्कि डबल एनर्जी से आपके सामने खड़ा होता है आपको क्या दिक्कत हो जाती है अगर किसी के मन में सच में है कि मुझे नौकरी पानी है तो सोचो आपको कोई भी बाहर से मोटिवेशन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपके अंदर खुद ब खुद वो आग लगी हुई होगी कि आप खुद कहोगे नहीं मुझे पढ़ना है है किसी के कहने से नहीं नहीं पढ़ोगे तुम जो कहते हो हो ना कि मैम हमसे अब मन नहीं लग रहा रहा हमें हमें नर्वस हो रहे हैं हमें परेशानी हो रही है ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर आप वाकई में चाहते हैं कि मुझे अपने माँ बाप का सपना या अपना सपना पूरा करना है और बाकी तो भैया जिसको नहीं करना वो तो कुछ भी कह लो वो करेगा ही नहीं समझ आया कैसे है हमारे हाथों में मैंने आपसे बोला कि हमारी कुछ इस प्रकार से कलाई में आठ हड्डियां उपस्थित होती हैं। इधर ध्यान दो जरा। अगर मैं आपसे बोलूं कलाई में कितनी है तो कलाई में कुछ इस प्रकार से जहां तुम राखी या बैंड या घड़ी पहनते हो उस कलाई के अंदर एग्जैक्टली आठ हड्डियां उपस्थित है फिर पंजे में एक दो तीन चार पांच पांच उंगलियां पांचों पंजे पांच हड्डी और अगर मैं उंगलियों की बात करूं तो उंगलियों में कुल मिला के अंदर आप देख रहे हो हर उंगलियों में तीन तीन हड्डियां और अंगूठों में मात्र दो हड्डी तो में 14 होती टू कोमा थ्री 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 समझ आया हाथ में तीस कैसे हैं ये एक हाथ की तीस है फिर दूसरे हाथ की सेम थर्टी बोन्स हो जाएंगी टोटल मिला के कितनी हो गई हमारी सिक्सटी बोन्स यहाँ पर हो गई समझ पा रहे हो हाथ को हाथ को समझ में आया अब आते हैं पैर के ऊपर तो मैम पैर में भी यही मसला है पैर में भी घुटने में भी या भी मैं पैर की बात करूं तो उसमें भी सेम कहानी दिखाई देती है देखो कैसे दिखती है हम लिखेंगे नेक्स्ट हाइंड लिंब या पैर पैर में सबसे पहले आती है आपकी जांग की हड्डी जिसको कहते हैं फीमर और ये फीमर मेरे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कही जाती है टीमर क्या है शरीर की सबसे लंबी हड्डी लॉन्गेस्ट बोन कही जाती है कितनी है एक है आपके जांग की हड्डी कही जाएगी कहां तक जुड़ी हुई है घुटने तक घुटने की हड्डी अलग से पड़ते हैं जिसको हम कहते हैं पटेला तो इसके बाद क्या आएगा इसके बाद आएगा पटेला पटेला का मतलब हमारा नी कैप घुटने की कटोरी कहते हैं ना कई लोग कि भैया घुटने में कटोरी लगी हुई है तो ये भी क्या है एक यहाँ पर संख्या में देखी जाएगी उसके बाद हमारे घुटने से लेकर के और नीचे पैर की एड़ी तक अगेन दो हड्डियां लगी हुई हैं जिसको हम नाम देते हैं टिबिया और फिब्यूला टिबिया और फिब्यूला एक टिबिया है एक फिब्यूला है कितनी हो गई संख्या में दो इसके बाद आ जाएगा हमारा जैसे हाथ के अंदर कलाई थी उसी प्रकार से पैर में क्या होती है एड़ी होती है हाथ की कलाई में मैंने कहा आठ हड्डी हैं तो पैर की एड़ी में कितनी होंगी पैर की एडी में सात हड्डियां दिखाई देती हैं देखो पैर की एडी में कितनी है ये सात हड्डियां कुछ आपको दिखाई दे रही हैं यहां बिल्कुल एडी के अंदर आप इस एडी को और थोड़ा सा जूम करके देख लो देखो भाई टिबिया एंड फिब्यूला सबको समझ में आ रहा है टिबिया और फिब्यूला वेरी गुड तो मैम ये जो मुझे दिख रहा है ना पैर की एडी इसमें होती है आठ नहीं सात हाथ में कलाई में आठ होंगी मगर पैर में सात होती हैं. अब इनके साथ होने के बाद क्या हो जाता है कि मैम देखो हमारा आता है पैर का पंजा और पैर के पंजे को हम कहते हैं मेटा टार्सल जैसे हाथ में कार्पल था फिर टार्सल आया पैर में तो उसी प्रकार से याद करेंगे टार्सल और मेटा टार्सल टार्सल में वापस से कितनी होंगी पैर का बन जाए पांच होंगी और इसी प्रकार से पैर की उंगलियों में फैलेंज कहा जाता है उंगली कहीं की भी हो आप फैलेंज का नाम लोगे उंगली हो फैलेंज का नाम देंगे कितनी है फोर्टीन दिखाई दे रही है बताओ मुझे क्या आपको साठ हड्डियां पैरों की समझ में आई तीस एक तरफ और तीस दूसरी तरफ सेवन बोन पटेला पेट के कीड़े को बोलते हैं अच्छा जी नहीं यहाँ पे पटेला हम बात कर रहे हैं जो हमारे घुटने की हड्डी है दैट इज पटेला ठीक सब है सबको क्लियर हो रहा है सबके अंदर वो जुनून वो आ कि आज मैम पूरी 206 सौ हड्डियां याद करके जाऊंगा बोलो 200 तो याद हो गई छह बची हैं। 200 तो, तो याद हो गई बची हैं। इज दिस क्लियर चलो तो भैया पैर में कितनी हो गई कुल मिला के सिक्सटी बोन्स यानी कि थर्टी एक पैर में और तीस दूसरे पैर में तो आपने क्या याद किया फीमर फिर हमारा पटेला फिर टिबिया फिब्यूला फिर टार्सल मेटाटार्सल और फैलेंजेस उंगलियों को फैलेंज का नाम दिया जाता है तो हमारे दोनों के दोनों लिम बोन्स में 120 ट्वेंटी बोन्स यहाँ पर प्रेजेंट है अब बात करते हैं हमारे कंधों के बारे में जब आपने अपने कंधे देखे होंगे तो आपको एक चीज नजर आई होगी कि मैम सारी दुनिया एक तरफ मुझे तो मेरे कंधे बड़े प्यारे हैं और कंधे में एक होती है हमारी ब्यूटी बोन जिसको कहते हैं सुंदरता की हड्डी जिसे कहते हैं कि भैया आपकी कॉलर बोन प्रेजेंट है आपकी हंसली की हड्डी है ऐसे कई नाम आप लोगों ने सुने होंगे क्यों भाई कितनों ने सुने हैं कॉलर बोन का नाम सुना होगा बिल्कुल यहाँ एग्जैक्टली आधे लड़के लड़कियां बावले होते हैं उस ब्यूटी बोन के चक्कर में कि भैया ब्यूटी बोन जो है वो बड़ी बढ़िया सी होनी चाहिए तो उसको कहते हैं एक हड्डी जो कि आपको यहाँ की तरफ लगी हुई दिखाई दे रही है और इसी के साथ ये जो आपको ट्राइंगल सी बोन दिख रही है इसको कहते हैं स्केप्यूला ये इसे कहा जाता है स्केप्यूला ये स्कैप्यूला बिल्कुल ट्राइंगल आकार की दिख रही है और इसके अंदर क्या जाता है ये हमारी जो हाथ की हड्डी है ना ये जाकर के फिट हो जाती है मतलब एक सॉकेट सा बना होता है उसमें जाकर हमारे हाथ की ह्यूमरस नाम की हड्डी फिट हो जाती है इसको कहा जाता है स्कैप्यूला और क्लेवाइकल ये दो हड्डी कहाँ है मैम हमारे कंधे में उपस्थित है देखो कुछ इस प्रकार से ये नीचे की तरफ पूरी की पूरी एक ट्राइंगल हड्डी आ रही है और ऊपर से ये जो मुझे दिख रही है दिस इज क्लेवाइकल की हड्डी इसके अंदर क्या जा रहा है अंदर से ये ह्यूमरस जाके फिट हो रहा है ये ह्यूमरस जाकर के फिट हो रहा है तो आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो ये है मैम बस एक कंधे में दो एक स्केवाइकल एक ऐसी दूसरे कंधे में दो क्या क्या है यहाँ पे ये वाली हड्डी को मैंने कहा क्लेवाइकल क्या है ये ब्यूटी बोन असली और ये वाली जो ट्रायंगल सी मुझे दिख रही है इसको कहते हैं स्कैप्यूला ट्रायंगल आकार की होगी बिल्कुल इस तरीके से और इसी अंदर को क्या जा रहा है ह्यूमरस जा करके फिट हो रहा है करेक्ट तो शोल्डर गर्डल की अगर आपसे बात करी जाए कि भैया देखो हमारे गर्डल होते हैं इसमें दो-दो हड्डियां उपस्थित होती हैं तो यहां आप बताओगे एक क्लेवाइकल है और एक स्कैपुला है ठीक है दोनों एक-एक संख्या में दिख रहे हैं कुल मिलाकर दो एक तरफ और दो दूसरी तरफ क्लियर हुआ दोनों हड्डियां क्लियर हो गई अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में बोलूं तो इन्हीं कंधों की वजह से तुम्हारी जो रीढ़ की हड्डी लगी हुई थी वो कुछ इस आकार की आपको दिखाई दे रही थी देखो ये रहा ट्राइंगल सपार्ट सी एक हड्डी और इसी के ऊपर लगी हुई है हमारी क्लेवाइकल क्या किसी को कोई समस्या आ रही है इसको समझने में ये सपार्ट सी हड्डी और ऊपर एक क्लेवाइकल बोलो अब तुमसे पूछा जाए ह्यूमरस किससे जुड़ा हुआ है तो ह्यूमरस कैप्यूला से जुड़ा हुआ है है ना डॉक्टर का पता नहीं लेकिन इंस्पेक्टर जरूर बन जाओगे अगर तुमने पढ़ लिया सवाल सही कराए तो इंस्पेक्टर जरूर लग जाओगे ढंग से समझ में आ गया अब बचा हमारा जो जैसे हम कहते हैं पेल्विक गर्डल ये वाला गर्डल कौन सा है इसको नाम दिया जाता है पेक्टोरल पेक्टोरल क्वेश्चन आ जाता है दरअसल इनके जोड़ों में से तो उन जोड़ को समझाने के लिए पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि हड्डियां और कहा हैं तभी तो तुम हड्डियों को जोड़ पाओगे मैं तुम्हें हवा में थोड़े ना ग्रेविटी के साथ जोड़ जोड़ दूंगी कि भैया नहीं नहीं ये जुड़ी हुई होती है बस एनिमल किंगडम करवा दो वो भी करेंगे एनिमल किंगडम भी करेंगे इज दिस क्लियर चलिए लास्ट की बात करते हैं जो कि हमारा है पेल्विक गर्डल यानी कि कूल्हे का जोड़ कूल्हे का जोड़ एक्चुअली होता कि इस, इस प्रकार से है जिसमें हमारी दोनों कूल्हे में एक एक हड्डी होती है ये एक हड्डी और ये दूसरी हड्डी दोनों मिलकर के एक हिप बोन बनाती है जिसको हम कहते हैं पेल्विक गर्डल तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ पेल्विक गर्डल तो आप बोलेंगे भैया इसको हिप बोन भी कहते हैं कूल्हे का जोड़ भी कह देते हैं और दूसरी चीज इसके अंदर एक हड्डी एक तरफ है एक हड्डी एक तरफ है कितनी हड्डी हो गई तो, टोटल दो ये जो एक हड्डी बन रही है यानी कि जो लेफ्ट वाली बन रही है ये तीन हड्डियों के जुड़ने से बनती हुई दिखाई देती है ठीक है देखो जरा कैसे यहां आती है तीन हड्डियां एक होती है इलियम फिर आती है इश्चियम फिर आती है प्यूबिस इलियम स्म और प्यूबिस कहां, कहां पर है ये दोनों ये वाली जो बोन आप देख पा रहे हो इसको और जरा जूम कर देते हैं ये वाली हड्डी जो आपको दिखाई दे रही है ठीक है इसको नाम देते हैं इलियम की हड्डी फिर इसके बाद मुझे एक ये बोन दिख रही है इसको मैंने नाम दिया इस्चियम और फिर मुझे एक ये हड्डी दिखाई दे रही है इसको मैंने नाम दिया प्यूबिस का इसको मैंने क्या नाम दिया प्यूबिस का नाम दिया देखो इधर ये इलियम है फिर ये इसम दिख रही है ठीक है ये वाली क्या हो गई इलियम हो गई ये इश्चियम है और ये प्यूबिस है बोलो बात सबको समझ में आ रही है या नहीं कोई समस्या किसी को ऐसे ही तीन दूसरी तरफ है और ये मिलकर के क्या बनाएगी मिलकर के हमारी कूल्हे की हड्डी यहाँ पर बना लेगी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि मैम आपने हमें एक जगह और इलियम बताया था याद करो कहाँ बताया था ये इलियम की स्पेलिंग अगर किसी ने नोट करी है तो उसको फटाफट से याद आ जाना चाहिए कि मैम ने एक इलियम और बताया था बताइए कहाँ बताया था क्लास की टाइमिंग है डेली मतलब ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे को शाम को छः बजे वैसे रोज ये आपकी क्लास चलती है ऑल्टरनेट डेज पे मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे को इंग्लिश की और बाकी ट्यूजडे एंड सैटरडे को आपकी साइंस uh, की क्लास जो है वो होती है पेल्विक पेल्विक में Pelvic तो यहीं पर है ही है ये मैंने तुम्हें जब आते पढ़ाई थी तो आपको पढ़ाया था छोटी आंत होती है बड़ी आँत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला हिस्सा आपका जो दिखाई देता है वो ड्यूडनम का फिर जजुनम का फिर इलियम का तो इलियम वाला हिस्सा वहां पर भी था इलियम वाला हिस्सा ठीक है वहां पर भी था इसको कहते हैं इलियम ये एक आंतों में थी जिसमें ई आ रहा है वो आंतों में थी जिसमें आई आ रहा है वो हमारे कूल्हे में दिखाई दे रही है छोटी आंत में और एक हमारे कूल्हे में तो ऐसे स्पेलिंग्स में भी कभी कभी एरर दे देता है जैसे कॉमनली मैं आपको बोलू कि देखो आपके सामने दो वर्ड्स लिखे हुए हैं मैंने कहा एक तो ये टी एच आई एम आई एन ई एक तरफ है टी एच वाई एम आई एन ई आप तो बोलोगे हिंदी में तो दोनों को थाइमीन ही कहा जाता है मगर इंग्लिश में स्पेलिंग में फेर बदल है तो मैम यहाँ ये वाला जो थाइमीन है ये है हमारा विटामिन बी वन क्लियर और ये थाइमीन क्या है ये हमारे डीएनए के अंदर एक नाइट्रोजन का बेस पाया जाता है ये उसको कहते हैं थाइमीन ऐसे सवाल आपको क्या कर देता है कंफ्यूज कर देता है तो हमें हर पॉइंट पे क्या होनी चाहिए क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम जो पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं किस प्रकार से पढ़ रहे हैं कहाँ से पूछा जा सकता है और क्या क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इज दिस क्लियर अब मुझे जल्दी से बताओ आप लोगों को समझ में आया कि मैम ये पूरी की पूरी दो हड्डियों है क्या आखिर कैसे हमारे गर्डल में एक पेक्टोरल बना एक पेल्विक बना दो हमारे हाथ पैर बने और हमारे पूरे अक्षय कंकाल बने अब मुझे बताओ कोई समस्या इन पूरी 206 हड्डियों के अंदर जल्दी से हाँ वो इंग्लिश के अंदर आ जाएगा बहुत सारे ऐसे इंग्लिश में वर्ड्स होंगे वीक और वीक का है ना बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको दिखाई देंगे सो अब जल्दी से मुझे एक बार बताएंगे कोई समस्या लगाओ जरा कुछ सवाल फटाफट से फिर देखते हैं तुम्हें कितनी समस्या है लगाइए कुछ सवाल और बताइए मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर कि आपके मानव के शरीर में कुल मिलाकर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं देखें तो सही कितने पानी में हो और आप सभी सेशन को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने दोस्तों भाइयों बहनों तक पहुंचाइए जो पेड कोर्स नहीं ले सकते हैं और इस फ्री सेशन के जरिए अपना पूरा सिलेबस यहाँ पर साइंस का कर सकते हैं हम आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट हर उस स्टूडेंट के लिए जिसको ए से लेके जेड तक सारी चीजें आनी चाहिए साइंस की वो सारा कॉन्टेंट आपको पूरा का पूरा वैसे ही दिया जा रहा है तो भैया हर उस साथी हर उस भाई बहन तक ये क्लास जरूर पहुंचनी चाहिए ये आपका फर्ज है ठीक है चलो अभी तुम लोगों से भी बात करेंगे लेकिन सेशन के बाद में। पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मैम सबसे सिंपल क्वेश्चन है कितनी हड्डियां होती हैं कुल मिला के दो सौ छ हड्डियां मुझे दिखाई देती हैं किसके अंदर एक कंप्लीट एडल्ट के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके वर्टिब्रल कॉलम में कशेरुक स्तंभ में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं जल्दी जल्दी से बता दो कशेरुक स्तंभ में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं तो कितनी हो जाएंगी मैम? रीढ़ की हड्डी हमारी कितनी है ट्वेंटी सिक्स दिखाई दे रही है बच्चों में अगर मैं पूछूं तो बच्चों में तेतीस हड्डी बच्चों की रीढ़ की हड्डी कितनी होती है तेतीस मुझे दिखाई दे रही है सो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम बताइए शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम बताइए और यहीं तुम फंस जाते हो यहीं तुम फंस जाते हो तुम बहक जाते हो तुम जा रहे थे सीधे तुम्हें पता था लंबी हड्डी फीमर है मगर पता नहीं क्यों तुम्हारे मन में आया कि नहीं नहीं यार स्टेपीस लगा देता हूं अरे बाबा स्टेपीस तो सबसे छोटी है दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन सबसे छोटी हड्डी लंबी की बात कर रहे हैं लॉन्गेस्ट की बात कर रहे हैं लॉन्गेस्ट होती है हमारी फीमर फीमर कहा है जांघ की हड्डी है हाई बोन जिसको हम कहते हैं हाई बोन जिसको हम कहते हैं समझे कि ना ही समझे अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसी बात पे हमारे कितने पेयर ऑफ रिप्स पाए जाते हैं पसलियों के कितने पेयर पाए जाते हैं जल्दी जल्दी से पसलियों के कितने पेयर हमारे पाए जाते हैं कितने जोड़े उपस्थित होते हैं जोड़े पूछी है संख्या नहीं पूछी ऐसे भी सवाल बहुत कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट से जोड़े पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं अपना जोड़ा बनाने में है बारह जोड़े होते हैं टोटल हड्डी पूछता तो आप बताते ट्वेंटी फोर बोन्स लेकिन पेयर पूछ रहा है तो ट्वेल्व पेयर प्रेजेंट होंगे बारह पेयर लग रहा है तुम लोगों का टेस्ट लेना पड़ेगा अलग से बहुत गलत कर रहे हो सवाल अगला बताइए कितने भागों में मानव का मस्तिष्क जो है वो बटा हुआ है इन हाउ मेनी पार्ट्स ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड कितने भागों में ब्रेन जो है वो बटा हुआ दिख रहा है क्विकली इससे सिंपल सवाल होगा कोई होगा कोई फिर भी तुम बहक रहे हो कितने भागों में जो तो कह रहे हैं चार भागों में तीन भाग होते हैं नर्वस सिस्टम बढ़ाया था टाइप्स बढ़ाए थे कि ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है एक अग्रह मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन फिर दूसरा आता है मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क और तीसरा आता है हाइंड ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क कुछ याद आया इसके अंदर आपका दूसरा सेरिबेलम मेड्यूला पोन्स उपस्थित थे यहाँ पर सेरिब्रम थैलेमस और हाइपोथैलेमस उपस्थित था चार बता रहे हैं मैडम चार चार क्या है चार तो वो हड्डियों कपाल के अंदर जो बोन्स लगी थी टेम्पोरल फ्रंटल पेराइटल ऑक्सीपिटल वो थी ये तुमसे टाइप्स ये तुमसे पार्ट्स पूछ रहा है कितने भागों में बटा हुआ है

में चली गई समझे कि नहीं समझे बात को सभी चार वालों क्लियर हुआ ये छोटी छोटी सी गलतियां चलो अगला बताओ ऑक्सीपिटल कहां आता है ईयर में लंग्स में मैक्यूला में स्कल में कहाँ आता है अभी भी चार दे रहे हैं समझ आया है? कोई दिक्कत स्टिल अगर मन में डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ओके वेरी गुड ऑक्सीपिटल कहाँ है हमारे अब बात आई कि मैम खोपड़ी के अंदर है किसमें है खोपड़ी के अंदर है चलो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर और दे दो फटाफट से ओनली मूवेबल बोन ऑफ दी स्कल कौन सी कही जाती है आपके कपाल की अकेली ऐसी हड्डी जो गतिमान है जो मूव कर रही है वो कौन सी कही जाएगी वो कौन सी कही जाएगी फेफड़े को कौन मूव करा रहा है फेफड़ों को कौन मूव करा रहा है चलिए और देखो क्लास आपकी ना रेगुलर होती है ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे को साइंस की क्लास रोज शाम को छह बजे चल रही है आपकी जल्दी से जल्दी इस क्लास को डेली भी कर देंगे लेकिन अभी के लिए क्लास जो है वो आपकी तीन दिन चल रही है तो तीनों दिन रेगुलर क्लास किया करो अगले वाले मतलब आज हमने जोड़ों के बारे में आज हमने हड्डियों के बारे में पढ़ा है अगला जो आपको परसों शनिवार को क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे इन्हीं हड्डियों के बीच में क्या क्या जोड़े उपस्थित होते हैं कैसे ये जुड़ती हैं क्या क्या ज्वाइंट्स हैं और कैसे कैसे तुम्हारे हड्डियों के दर्द जोड़ों में दर्द क्या होता है क्या बीमारी होती है क्या डिसऑर्डर्स होते हैं करेक्ट

बताइए फिंगर बोन्स को और किस नाम से जाना जाता है हैमेट कैपिटेट या मेटाकार्पल फैलेंजेस गर्डल्स या हैमेट किस नाम से जाना जाता है फटाफट से बताओ किस नाम से जाना जाता है हाँ जी तीन दिन चलती है क्लास अभी हफ्ते में वेरी गुड आनंद वर्मा जी गुड इवनिंग उंगलियों की बात करी जा रही है तो उंगलियों में हमारी केवल और केवल फैलेंज नाम की हड्डी होती है मतलब उंगलियों की हड्डियों को फैलेंज कहा जाता है number, ये आपको दिखाई देती हैं। लेक्रिमल की जो बात कर रहे हैं वो लेक्रिमल ग्रंथी हमारी अश्रु ग्रंथी होती है जो आपके दिल टूटने पर फटाफट से आंसू आते हैं ना इसको बोलते हैं अश्रु ग्रंथी तो आपके दिल टूटने पर जो अचानक से आंसू आने शुरू हो जाते हैं वो आंसू किस वजह से आ रहे हैं वो आ रहे हैं लेक्रिमल ग्रंथि की वजह से इसे टीयर ग्लैंड कहते हैं अश्रु ग्रंथि। यहीं से आंसू बनते हुए दिखाई देते हैं आंसू बनते हुए दिखाई देते हैं ऑल राइट right. अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग मुझे देने वाले हो किसके अंदर होमवर्क के अंदर, Homework के अंदर. यानी कि क्लास खत्म होने के बाद ऑफलाइन कमेंट में बताओगे चैट में नहीं पूछा ऑफलाइन कमेंट में बताओगे कि जो लिम्ब बोन्स होती हैं यानी कि हाथ और पैरों की जो हम बात कर रहे हैं ये किसी बच्चे की जब मुड़ जाती हैं या हम बात करें कि झुक जाती हैं वो किस विटामिन की कमी की वजह से देखने को मिलती है किस विटामिन की डिफिशेंसी होगी जिस वजह से अंग की हड्डियाँ क्या हो रही हैं झुक रही हैं तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी क्या करेंगे ऑफलाइन कमेंट करके देने वाले हैं और अब एक चीज जो आपने हमेशा के लिए याद रखनी है कि जीवन में प्रॉब्लम चाहे कितनी भी आए तुम्हें पता है कि तुम अगर मेहनत करोगे और अगर तुम ईमानदार हो अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो तो आपको जीवन में जीत जरूर हासिल होगी बशर्ते कि तुम किसी भी तरीके से कोई उसका विकल्प ना ढूंढ रहे हो कि भैया हम मेहनत ना करके कुछ जुगाड़ बिठा ले पेपर निकालने का कुछ और तरीका मिल जाए मैम ऐसे रास्ते कभी काम नहीं आते मेहनत करो बढ़िया तरीके से अपनी मेहनत को करो आपके पास टाइम है अभी बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास टाइम बाद में नहीं बचेगा और फिर वो परेशान होंगे कि एग्ज़ाम से तीन दिन पहले या एग्ज़ाम से एक महीने पहले दो हफ्ते पहले मैम कैसे पढ़ूँ अभी वक्त है वक्त रहते संभल जाओ इस वक्त को अगर तुमने खो दिया तो फिर सोचते रह जाओगे कि भैया अब क्या करें बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी एज लिमिट जा चुकी है और वो रिग्रेट में हैं आज तक कि काश उस टाइम पढ़ लेते सो डोंट मेक योर सेल्फ द सेम थिंग कि भैया आपके साथ भी वही चीज हो रही हो आप भी परेशान हो रहे हो आप भी रिग्रेट करें वक्त है संभल जाइए सुधर जाइए और पढ़ाई कर लीजिए बढ़िया तरीके से बाकी मुलाकात होगी आप लोगों से अगले सेशन में परसों यानी कि दिन शनिवार शाम को छह बजे तब तक के लिए आई रियली होप कि आप सबको ये चैप्टर समझ में अच्छे से आ गया हो कि आखिर ये 206 सौ छह हड्डियां कैसे हमारे शरीर के अंदर व्यवस्थित है और किस प्रकार से सवाल आप लोगों से यहाँ से पूछे जाते हैं इज़ दिस क्लियर पसंद आया हो तो सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अपने सभी दोस्तों से मिलते हैं आप लोगों से परसों यानी कि सैटरडे को सेम टाइम सेम जगह तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हैव अ वेरी गुड डे टेक केयर बाय